राम राम दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स टेक्नो दोनों का जो है FRP बाईपास कैसे करें एंड्रॉयड 13 हो या 14 हो। और इस वीडियो में खास क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका जो है ये इन्फिनिक्स जो है स्मार्ट 8 है, मॉडल नंबर है इसका X6525, ठीक है X6525 है मॉडल नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी पे भी ट्राई कर सकते हो जो कि इन्फिनिक्स हो टेक्नो हो। इस वीडियो में खास क्या है, आपको विदाउट दूसरे फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहले तो ये, और दूसरा इसमें क्या खास है आपको एक्टिविटी लॉन्चर की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए आप कोने में देख सकते हो लॉक का निशान आ रहा है, तो हमारा लॉक है। तो हम नेक्स्ट किया और सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लेना। ओके यहाँ पर हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो मैं एक बार नेक्स्ट करके दिखाता हूँ कि पासवर्ड मांगता है या जीमेल आईडी मांगता है, एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा था इसमें खास क्या है, आपका जो है एक्टिविटी लॉन्चर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डॉन्ट कॉपी करते हैं, देखो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे गूगल अकाउंट डालना, ये दोनों में से चीज़ आपको कुछ नहीं पता दोस्तों, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है वीडियो को पूरा देखते रहना। तो यहाँ पे हम जो क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो शेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं हाँ। तो और यहाँ पे आपको क्या करना है, नियर बाय पे क्लिक करना है, ठीक है नियर बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्न ऑन कर देना आपका जो है, देखो इन्फिनिक्स स्मार्ट HD है 8 HD। तो आप जो है इन्फिनिक्स का कोई भी मॉडल एंड्रॉयड जिसका वर्जन है 13, जिसका सिक्योरिटी अपडेट है, जिसमें एक्टिविटी लॉन्चर काम नहीं करता है, ठीक है वो वाले ट्रिक है, ठीक है। नीड हेल्प एंड शेयरिंग में जाएंगे, नीड हेल्प एंड शेयरिंग में जाएंगे, ओके यहाँ पे गए। ओके अब हमें करना क्या, यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, अब हमें यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद शेयर आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको जो है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, एक्सशेयर की भी ज़रूरत नहीं है, एक्सशेयर से भी होता है ना, एक्सशेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे देखो गूगल गो आ रहा है, यहाँ पे जा सकते हो, या तो आप मैसेज में जा सकते हो, दो ये मैसेज से आप यूट्यूब ओपन होगा, यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से नहीं करेंगे हम, यहाँ पर गूगल गो से कर सकते हैं हम। और दूसरा हमें क्या करना है कि अगर फोनिक्स फोनिक्स नाम से होगा ना, फोनिक्स से कर लेना, ठीक है फोनिक्स जो है स्टोर है इसका, जैसे कि ब्राउज़र है ना गूगल गो वाला, ऐसी फोनिक्स है, अगर आपके में फोनिक्स है तो फोनिक्स कर लेना, अगर गूगल गो है तो गूगल गो, ठीक है फोनिक्स नाम से होगा। तो गूगल गो पे हम क्लिक करते हैं, यूज़ विदाउट गूगल अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ओके अब हमें करना क्या है, हम जो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पर डन कर देते हैं। ओके अब दोस्तों हमें करना क्या, इसमें हमारी सेटिंग भी ओपन नहीं होती है, ठीक है हमारी सेटिंग ओपन नहीं होती है, एड रूम में हम जाते हैं तो सेटिंग ओपन नहीं होती है, एड रूम में जाके आप अभी दिखा रहा हूँ आपको, एड रूम में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जाते हो तो एक बार सेटिंग ओपन करके देख लेना, सेटिंग की जरूरत नहीं, सेटिंग ओपन नहीं होती है, तो सेटिंग हमारी ओपन नहीं हो रही है। तो हमें क्या करते हैं, देखो सेटिंग ओपन नहीं हो रही है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे करना पालम स्टोर PLAMSTORE, ठीक है यहाँ पे सर्च करना पालम स्टोर, प्लाम स्टोर, ठीक है यहाँ पे सर्च करते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो हमें पहले जो है पहले वाले वेब, ये पालम स्टोर वेब पे क्लिक करेंगे, ओके अगर आपके सेटिंग ओपन हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो ये आपको ट्रिक ट्राई करना, तो इसमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लेना आप, ठीक है जैसे मैं नोट्स कर लेता हूँ, ठीक है नोट्स हमने डाउनलोड कर लिया, ऐप इंस्टॉल कर इंस्टॉल नहीं की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ भी आप सेलेक्ट कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो है इसका जो है स्टोर है ना वो ओपन हो चुका है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं हिडन सेटिंग HIDEN हिडन सेटिंग, देखो ठीक है हिडन एंड्रॉयड सेटिंग, ये देख रहे हो आप पहले पे आ रहा है हिडन एंड्रॉयड सेटिंग, तो हमें हिडन एंड्रॉयड सेटिंग को इंस्टॉल कर लेना है।
ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है हमारा, सेटिंग जो लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, देखो हमारी अब हमारी सेटिंग ओपन हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए माय फ़ोन स्मार्ट एसडी वाला है, ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन 13 है और स्मार्ट एसडी, ठीक है, ये रहा इन्फिनिक्स X6525। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं, हमें जाना है ऐप मैनेजमेंट में जाना है, ऐप मैनेजमेंट में गए, ठीक है, ऐप लिस्ट में जाना है हमें, ऐप लिस्ट में गए। ओके, तो दोस्तों हमें एंड्रॉयड में जाना है, इसलिए फोर स्टॉप कर देना है एंड्रॉयड को, हम यहाँ पर कर देते हैं। अब हमें गूगल प्ले सर्विस को भी जो है डिसेबल और फोर स्टॉप कर देंगे, डिसेबल कर देते हैं एंड फोर स्टॉप कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा गूगल प्ले सर्विस, हो गया फोर स्टॉप एंड डिसेबल। ठीक है, देखो एनेबल का ऑप्शन आ रहा है तो हमें एनेबल नहीं करना, डिसेबल करना। ठीक है, हमने डिसेबल कर दिया है, ये देखिए डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें करना क्या है, नीचे सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिस्टम में जाना है, सिस्टम में सॉरी हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी मेनू, ये रहा हमारा एक्सेसिबिलिटी मेनू। ठीक है, यहाँ से या तो आप सर्च कर लेना या आप देख लेना आपका एक्सेसिबिलिटी मेनू कहाँ पर शो कर रहा है, स्पेशल फंक्शन, ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा स्पेशल फंक्शन में, ठीक है, स्पेशल फंक्शन में जाओगे, एक्सेसिबिलिटी मेनू में जाओगे, ठीक है, ये रहा हमारा ऊपर सबसे ऊपर एक्सेसिबिलिटी मेनू। ठीक है, यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं, ओके अलाउ कर देते हैं, ये देखिए ये हमारा आ गया एक्सेसिबिलिटी मेनू। ठीक है, अब हम क्या करना, बैक 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 करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा वेट करना है जब तक हमारा ये ब्लिंक ना करने लगे, यहाँ पे अभी ये डॉट कॉपी करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हमें, मैं आपको दिखाऊंगा, और थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे हम जो है डॉन्ट कॉपी करते हैं, ये देखिए हमारा ब्लिंक करने लगा है। ठीक है, यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे हम अपना वाईफाई ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई लग रहा है, हम अपना वाईफाई ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, वाईफाई हो गया, नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए हो गया दोस्तों हमारा फ़ोन इजीली अनलॉक। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।